तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखोगे, अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो एफ एक्स ग्राफ है वो उसका यहाँ पे दिया है, एफ इज द अप्लाइड पर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, द बॉडी मूव बिलोंग ए स्ट्रेट लाइन, फोर्स एफ इन न्यूटन, व्हाट इज द वर्क डन। देखो अब जो वर्क डन होता है एफ एक्स ग्राफ से कैसे निकाला जाता है, तो एरिया एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ जो होता है वो वर्क डन देता है। तो अगर यहाँ से बात करोगे तो ये वाली जो चीज़ है, दिस इज हम दिस इज यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर जो कर्व है वो एफ एक्स का, दैट इज द वर्क डन देगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, मतलब इस पूरे का एरिया निकाल लूँ तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से वर्क डन निकालने में सफलता तुम्हें मिल जाएगी, तो ये एरिया तीन एरिया है, एक एरिया ये वाला है और एक एरिया ये है, ठीक है ना। अब ये दोनों तुम एरिया देख रहे हो बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये वाली जो एरिया है, दिस एरिया एंड दिस एरिया हैव इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है ना, क्योंकि एरिया और ये वाली जो एरिया है तीसरी वाली, ये जो एरिया है इस एरिया की वैल्यू अलग है। बात समझ में आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अगर मैं एरिया, ये एरिया ए वन है और ये एरिया ए टू है और ये एरिया ए थ्री है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ए वन प्लस एरिया ए टू प्लस एरिया ए थ्री का सम। लेकिन एरिया ए वन प्लस है और उतना ही एरिया ए निगेटिव है और या एरिया ए थ्री, तो ये एरिया कट गया, तो प्लस एरिया ए थ्री का वर्क डन के बराबर। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो हाउ मच ये वो रेक्टेंगल है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3, ठीक है ना। तो 10 और यहाँ से 4 1, मतलब 10 जूल जो है वर्क डन हुआ होगा, तो 10 जूल मतलब ए ऑप्शन सही है। थैंक यू बाबा, टेक केयर।